तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारे पास आया है ये वीवो का फ़ोन जिसमें कि FRP लॉक लगा हुआ है। तो देख सकते हैं गाइस, ये वीवो का फ़ोन जो है FRP लॉक पर अटक गया है आके, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं ये ईमेल मांग रहा है जो कि पता नहीं है हमें। तो आज मैं बताऊंगा अगर आपके पास भी कोई भी वीवो का फ़ोन हो, कोई सा भी फ़ोन हो, उसमें FRP लॉक लगा हुआ हो तो इस ट्रिक से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। एंड्रॉयड 11, 12, 13 कोई भी हो, ये ट्रिक उस पर काम करेगा। जस्ट ट्रिक को पूरा अच्छे से देखिए वीडियो को। पहले तो आपको हेल्प स्क्रीन पर आ जाना है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू में चले जाना है, उसके बाद टॉकबैक को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं जो पुराना वाला मेथड था टॉकबैक वाला, वो काम नहीं कर रहा है। स्क्रीन पे जब प्रेस कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो इस मेथड से ओपन नहीं होगा गाइस। तो टॉकबैक को ऑन रहने देते हैं और इसको बैक कर लेते हैं अभी के लिए। तो सिंपली आपको सेटअप स्टार्ट कर लेना है और एड नेटवर्क पे चले जाना है। तो देख सकते हैं गाइस, मैं एड नेटवर्क पे आ चुका हूँ। यहाँ से एड न्यू नेटवर्क में चले जाना है। उसके बाद जो अर्थ वाला सिंबल बना हुआ है गाइस, उसमें आपको टैप करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास ब्रेल कीबोर्ड ट्यूटोरियल का जो है ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो सिंपली इसे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको स्क्रीन में डबल टैप कर लेना है गाइस। उसके बाद आपको स्क्रीन में कुछ नंबर्स दिखाई देंगे और ये जो नंबर है पॉप करेगा एक के बाद एक। तो आपको वैसे ही सेम टू सेम अपने फिंगर के सहारे उन नंबर को प्रेस करते जाना है। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पे 1 अभी पॉप हो रहा है, तो मैं 1 को प्रेस कर देता हूँ। अभी 1 और 2 साथ में पॉप अप हो रहा है, तो मैं दोनों को प्रेस कर देता हूँ। अभी 1 एंड 4 दोनों साथ पॉप अप हो रहा है, तो मैं 1 और 4 को प्रेस कर देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी 1, 4 एंड 5 पॉप अप हो रहा है, तो मैं तीन फिंगर की मदद से तीनों को प्रेस कर देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी स्वाइप करने के लिए बोल रहा है, तो हमें 5 से 2 तक स्वाइप कर देना है। अभी बस यही तक काम था इसका गाइस, इसका काम हो चुका है। अभी आपका 3 फिंगर के सहारे लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा मेनू खुल के आ जाएगा, उसके बाद सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अगर यहाँ पे टॉकबैक ऑफ करने का ऑप्शन अगर मिलता है, तो आपको वहाँ से ऑफ कर लेना है, या फिर तो यहाँ से आपको पावर को प्रेस करके रखना है जिससे कि आपका टॉकबैक ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसे और वहाँ से ऑफ कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने वो पावर को प्रेस करके रखा और जो मेरा टॉकबैक ऑफ करने का ऑप्शन था वो आ चुका है, तो यहाँ से मैं ऑफ कर लेता हूँ। अभी सिंपली आपको बैक आ जाना है गाइस। बैक आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद ब्रेल डिस्प्ले में जो है दिखाई दे रहा है, वहाँ पर टैप कर लेना है एक बार। उसके बाद गो टू टॉकबैक में टैप कर लेना है। गो टू टॉकबैक में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाना है गाइस। यहाँ से एक्सेसिबिलिटी के बाद आपको जो शॉर्टकट है वो उसको ओपन कर लेना है, इसको एलो कर देना है। उसके बाद गोटिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू आपका खुल जाएगा, टैप करके ओपन करना है। उसके बाद गूगल असिस्टेंट में टैप करके उसको ओपन कर लेना है। तो वहाँ से आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको टैप कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड में टैप कर लेना है। उसके बाद आप तो यहाँ से आपको ओपन सेटिंग टाइप कर लेना है। और सिंपली सर्च कर देना है। तो देख सकते हैं मेरा जो सेटिंग है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्वाइप करके नीचे आना है और सिस्टम में चले जाना है। सिस्टम में जाने के बाद फ़ोन क्लोन का जो ऑप्शन है उसको हमें टैप कर लेना है। टैप करने के बाद जो को एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको सिंपली न्यू फ़ोन पर टैप कर देना है। उसके बाद सिंपली एंड्रॉयड में टैप कर लेना है गाइस। उसके बाद गो टिट में टैप करना है। उसके बाद कुछ परमिशंस मांगेगा, उसे आपको एलो कर देना है। तो देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन का स्कैनर है ओपन हो चुका है। तो अभी हमें और एक दूसरा फ़ोन चाहिए होगा जो कि वीवो का होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। प्ले स्टोर खोलने के बाद इजी शेयर ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आपको भी इजी शेयर को सर्च कर लेना है और उसको डाउनलोड कर लेना है।
देखते हैं गाइस, मेरा जो है इजी से इंस्टॉल हो रहा है। देख सकते हैं गाइस, मेरा जो इजी शेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। बैक कर लेना है सिंपली, फिर यहाँ से सर्च करना है आपको एक्टिविटी लॉन्चर। तो देख सकते हैं तीन नंबर वाला ऑप्शन, तो देख लीजिए गाइस, ये वाला जो लोगो है इसी वाले को आपको डाउनलोड करना है और सिंपली इंस्टॉल कर लेना है इसको। तो देख सकते हैं मेरा जो है एक्टिविटी लॉन्चर डाउनलोड हो चुका है और सिंपली यहाँ से आपको बैक कर लेना है और इजी शेयर को फिर से ओपन कर लेना है। तो यहाँ से कुछ परमिशंस मांगेगा, सो एक्सेप्ट कर लेना है और एलो कर देना है परमिशंस के लिए। सिंपली आपको फ़ोन क्लोन वाले ऑप्शन में टैप करके चले जाना है, उसके बाद ओल्ड फ़ोन में टैप कर देना है। तो यहाँ से कुछ परमिशंस मांगेगा, तो इसे परमिशंस अलाउ कर देना है गाइस। उसके बाद ये एक बारकोड जनरेट करके दे देगा आपको। तो सिंपली इस हमारे सेकेंड वाले फ़ोन के बारकोड को हमारे फर्स्ट वाले जो लॉक फ़ोन था हमारे पास उससे स्कैन करना है ताकि दोनों फ़ोन कनेक्ट हो सके। देख सकते हैं गाइस, मैंने स्कैन कर दिया हूँ तो दोनों फ़ोन जो है कनेक्ट हो रहा है। और सेकेंड वाले फ़ोन में अगर कुछ आपको परमिशन मांगेगा तो गाइस सिंपली येलो कर देना है उसको। देख लेते गाइस, मेरा जितना भी फ़ोन में डेटा है सब स्कैन होकर मेरे सामने आ चुका है। तो हमें इन सब डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐप को कॉपी करना है इधर से। तो क्या करूँगा गाइस, मैं सबको डिसलेक्ट कर दूँगा, सिर्फ ऐप जो चाहिए था हमें एक्टिविटी लॉन्चर उसको ही सेलेक्ट करूँगा हमें। तो सिंपली स्टार्ट फोन क्लोन में टैप कर दूँगा। यहाँ से आपके सेकेंड वाले फ़ोन का पासवर्ड क्या है दे देना है। और देख सकते हैं गाइस, यहाँ में हमारा जो लॉक फ़ोन था उसमें कुछ ऑप्शंस आ रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो वहाँ से इसे दे देना है। देख सकते हैं गाइस, जो मेरा फाइल था वो ट्रांसफ़र हो रहा है और ये शायद एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट हो गया था शायद गाइस मेरा, इसमें इसलिए दो तीन ऑप्शन यहाँ पर कॉपी कर रहा है। कोई बात नहीं, होने देते हैं। अच्छा, जो हमारा ऐप था वो ट्रांसफ़र हो चुका है अभी, अगर ये सब नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली मैं कैंसिल कर देता हूँ और सिंपली ऐप में टैप करके इसे एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस थोड़ा वेट कर लेना है, ये तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास गाइस। स्क्रॉल करके एंड्रॉइड सेटअप में टैप कर लेना है आपको, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है, चेक करना है कि इसमें लोगो नहीं बना हुआ है। देख सकते हैं गाइस, सेटिंग्स का लोगो जिस पे नहीं बना है उसे आपको टैप करके ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा आपको, सिंपली स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट 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 स्किप करते हुए आगे चले जाना है। तो यहाँ से सिंपली हमें स्किप कर लेना है इस वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट कर लेना है गाइस, फिर से नेक्स्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद नो केबल में क्लिक कर लेना है, कॉपी विदाउट केबल में क्लिक कर लेना है यहाँ से। उसके बाद जो हमारा सेकंड डिवाइस है उसमें आपको गूगल ऐप खोल के सेटअप माई डिवाइस में सर्च करना है। सिंपली हमारा जो सेकंड फोन है उसको आपको उसमें आपको गूगल ऐप खोलना है और वहाँ से सेटअप माई डिवाइस सर्च करना है और उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ से जो हमारा लॉक डिवाइस था उसके नेक्स्ट करके आगे आना है। देख सकते हैं फिर से गूगल अकाउंट मांग रहा है जो कि है नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं हम। फिर से नेक्स्ट। देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको आके रुकना है जो हमारा लॉक डिवाइस है उस पे। और सिंपली हमारा जो सेकेंड डिवाइस है जो कि देख सकते हैं कनेक्ट नहीं हो पाया अभी तक, फिर से मैं जो है बैक करके गूगल ऐप को फिर से ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। देख सकते हैं गाइस, मैंने गूगल ऐप को फिर से ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको सर्च करना है सेटअप माई डिवाइस। उसे ओपन कर लेना है गाइस। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट में टैप कर देना है।
उसके बाद सर्चिंग फॉर डिवाइस दिखाएगा गाइस, थोड़ा टाइम वेट कर लेना आपको यहाँ पे। और ये कनेक्ट हो रहा है गाइस, देख सकते हैं गाइस जो हमारा दोनों फ़ोन था वो साथ में कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और सिंपली आपको नेक्स्ट पर टैप करके आगे बढ़ना है, फिर से आपको कॉपी वाले ऑप्शन में टैप करना है। उसके बाद आपका जो सेकंड डिवाइस है उस पर पासवर्ड मांगेगा, उसका पासवर्ड दे देना है। और ये जो आपका जो सेकेंड वाला फ़ोन था उसमें से जो एक गूगल अकाउंट है इसमें कॉपी करके दे देगा गाइस। अभी देख सकते हैं हमारे पुराने फ़ोन से हमारे जो लॉक फ़ोन है उसमें गूगल अकाउंट कॉपी कर रहा है अभी ये। अगर आपके में एक से ज़्यादा अकाउंट लॉगिन है आपके फ़ोन में तो शायद थोड़ा टाइम लेगा, मेरा भी सेम इशू है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि मेरे फ़ोन में एक से ज़्यादा ईमेल लॉगिन है। कोई बात नहीं, वेट कर लेना है थोड़ा। देखते हैं गाइस ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है और एक से ज़्यादा अकाउंट कॉपी हो चुका है इस पर, तो मैं जानता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसे कैंसिल कर लूँगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, वेट कर लेना आपको। देख सकते हैं गाइस मेरा जो अकाउंट था सिंपली कॉपी हो चुका है सेकंड डिवाइस में सक्सेसफुली। यहाँ से आपको स्किप कर लेना है, स्किप कर लेना है, फिर यहाँ से आपको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाना है गाइस। देख सकते हैं गाइस सेटअप फिर से खुल चुका है, इसका मतलब हमारा टिक जो है 100% काम कर गया है। सिंपली आपको सेटअप को फिर से कर लेना है, डोंट कॉपी करना है। और देख सकते हैं गाइस जो मेरा अकाउंट था वो एक से ज़्यादा ही कई बार कॉपी हो चुका है, कोई बात नहीं। जो हमारा फ़ोन था सक्सेसफुली FRP बाईपास हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है FRP की। और ये वेरी सिंपल ट्रिक है बताया था मैंने आज गाइस। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।